सुरों के बेताज बादशाह किशोर कुमार का आज जन्मदिन है। भले ही जमाने के साथ तड़क भड़क और फास्ट म्यूजिक को लोगों ने अपना लिया हो, लेकिन आज भी किशोर कुमार के गानों की धुन पर लोग खुद को मदहोश पाते हैं। आइए नजर डालते हैं किशोर कुमार के सफरनामे पर। किशोर कुमार हिंदी फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत थे जिनको सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता और हर सिंगर को उनके गायन की मिसाल दी जाती है। अपनी आवाज से इतिहास रचने वाले गायक किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को हुआ था। फिल्मी दुनिया के किशोर का असली नाम आभास कुमार गांगुली था, लेकिन फिल्मी जगत में इन्होंने किशोर के नाम से शोहरत हासिल की। गोरा सुंदर चेहरा और गठीला बदन देखकर बड़े भाई अशोक कुमार हमेशा से चाहते थे कि किशोर हिंदी फिल्मों में अभिनेता के रूप में काम करें, लेकिन संगीत मन में लेकर पैदा हुए किशोर दा ने पहले ही तय कर लिया था कि वो एक पार्श्व गायक के रूप में लोगों के दिलों पर राज करेंगे। अशोक कुमार के अनुसार बचपन में किशोर बड़े ही बेसुरे थे और यही वजह थी कि अशोक चाहते थे कि किशोर अभिनेता बने। लेकिन अशोक कुमार कहते हैं कि बचपन की घटना ने किशोर को सुरीला बना दिया। एक बार किशोर कुमार का पैर अचानक हसीये के नीचे आ गया, जिसके बाद वो दर्द से चिल्ला उठे और तब से किशोर सुरीले हो गए। बड़े भाई का मन रखने के लिए किशोर ने फिल्मी दुनिया में अपना करियर फिल्म शिकार से शुरू किया। इसके बाद किशोर आंदोलन फिल्म में बतौर अभिनेता नजर आए। न्यू दिल्ली, आशा, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, गंगा की लहरें और पड़ोसन जैसी फिल्मों में किशोर कुमार ने हास्य अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। लेकिन पक्के इरादे और भाग की होनी को कौन टाल सकता है। किशोर कुमार ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, इसलिए ज्यादातर संगीतकार उनसे गाना गवाने में कतराते थे। संगीतकार सलील चौधरी ने उनकी आवाज को पहचानते हुए उनको गाने के कई मौके दिए। इसके बाद संगीतकार एसडी बर्मन ने किशोर कुमार की आवाज को निखारने का काम किया। किशोर हमेशा से गायन में सहगल की आवाज की नकल करते थे, लेकिन एसडी बर्मन ने उन्हें अपनी खुद की धुन निकालने के लिए प्रेरित किया। 1969 में किशोर ने आराधना फिल्म में मेरे सपनों की रानी गाना गाया, जिसने उनको एक स्टार बना दिया। और इसी फिल्म के गाने रूप तेरा मस्ताना के लिए उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। 1970 और 1980 का दशक किशोर दा के लिए स्वर्णिम दशक रहा और वो कई अभिनेताओं की आवाज बन गए। गुमान कर गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, देवानंद, धर्मेंद्र, जीतेन समेत कई अभिनेताओं के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी। राजेश खन्ना की आवाज किशोर दा से बहुत मिलती थी, इसलिए राजेश खन्ना के लगभग गाने किशोर दा ही गाते थे। फिल्मी किरदार में किशोर जितने रोचक थे उतने ही निजी जिंदगी में भी रोचक थे। उन्होंने 4 शादियां की। अभिनेत्री मधुबाला के साथ इनकी जोड़ी को पर्दे पर जितना पसंद किया गया उतना ही निजी जिंदगी में भी। मेड फॉर ईच अदर वाली ये जोड़ी का साथ 1969 में मधुबाला के निधन के साथ टूट गया। एक लड़की भीगी भागी सी, अच्छा तो हम चलते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना, चिंगारी कोई भड़के, मेरे नैना सावन भादो, अगर तुम न होते, ये शाम मस्तानी आदि गानों से आज भी हर प्रेमी अपनी प्रेमिका को लुभाने की कोशिश करता है। प्यार की मदहोश आवाज और दर्द की कशिश दोनों ही तरीकों की आवाज से किशोर कुमार ने प्यार करने वाले और प्यार में दर्द झेलने वाले दोनों के एहसास को अपनी आवाज में उतारा। किशोर कुमार को 8 बार फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ गायक के सम्मान से नवाजा गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। किशोर कुमार को ऊपर वाले ने सुरीली आवाज के साथ साथ अभिनय की कला और निर्देशन की कला भी नवाजी थी, तभी तो वह हर किरदार में सफल साबित हुए। किशोर कुमार ने 81 फिल्मों में अभिनय किया और 18 फिल्मों का निर्देशन किया और साथ ही 574 गाने भी गाए। मुझे कहा जाता है कि राजेश खन्ना को सुपरस्टार और अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक बनाने में किशोर कुमार की आवाज़ की अहम भूमिका थी। जीवन के इस सफर में भले ही वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी। देखते रहिए डीबी लाइव।